नमस्कार, मैं दिव्यांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बिहार में तेज हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिवहर में एनडीए वाले का काम जो है आसान, आरजेडी वाले खुद ब खुद जो है वो कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से रितु जायसवाल उम्मीदवार हैं और आज उन्होंने नामांकन किया, और नामांकन के बाद चुनावी जनसभा को जो है जो रखा गया, और इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मंच पर तेजस्वी यादव थे और मंच पर ही बवाल हो गया। विजुअल्स देखिए, स्क्रीन पर हम आपको चला रहे हैं। देखिए, एक फ्रेम, हल्का सा शॉर्ट फ्रेम आएगा जहां पर आपको तेजस्वी यादव दिखेंगे। दरअसल ये फोन का वीडियो है, दूर से लिया गया है, जहां पर आपको विजुअल्स के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि पूरी तरीके से लड़ाई जो है वो मंच पर ही जो है वो छिड़ी हुई है, और जो तेजस्वी यादव को सुनने आए हुए हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंच पर तो कुछ और ही हो रहा है। हो क्या रहा है? लड़ाइयाँ हो रही हैं आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच, आरजेडी नेताओं के बीच, और लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं ये भी बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो है इस तरीके से, अब देखिए, ढाका के पूर्व विधायक हैं आरजेडी के फैजल रहमान, वो नाराज़ हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, और उखड़ते हुए मंच से जो है वो निकल जाते। हुआ यूँ, कुर्सियों को लेकर विवाद था। अभी तक हमने ढाका के पूर्व विधायक फैजल रहमान साहब को फ़ोन भी किया तो उन्होंने बताया कि वो कहीं बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के बीच, बाद में वो स्पष्ट रूप से बताएंगे आखिर मंच पर हुआ क्या था। देखिए, मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन नाराज़ होकर निकल गए ढाका के पूर्व विधायक फैजल रहमान, और कहा जा रहा है कि कुर्सियों जो है उनके लिए नहीं रखी गई थी, या फिर कहें कि उन्हें पीछे बैठने को कहा गया था। इससे नाराज़ होकर फैजल रहमान जो है वो मंच छोड़कर जो है वो चले गए। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी मंच की है जहां पर आपको तेजस्वी यादव के एक साइड आपको नज़र आ रहे हैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक इसराइल मंसूरी, और दूसरी छोर रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा जो है वो मौजूद हैं, और नवनीत झा के बगल में अमित कुमार टुन्ना जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक है। ये तस्वीर भी उस मंच की है, लेकिन शायद ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि कुर्सियाँ जो हैं उनके लिए आगे नहीं रखी गई थी, और इसी से नाराज़ होकर फैजल रहमान जो हैं वो मंच पर बवाल काटते हुए निकल गए। किसका काम आसान और किसका काम भारी करके चले गए फैजल रहमान? जो जानकारी हमारे पास आ रही है शिवहर ज़िले से कि मुस्लिम जो वोटर हैं वहाँ के, जब मुस्लिम जो लोग हैं शिवहर के, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से नाराज़ हैं। आखिर क्यों फैजल रहमान के साथ ऐसा हुआ कि वो मन से गुस्सा करते हुए भाग गए? कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक नाराज़गी जो है वो जो देखी जा रही है, और फेसबुक पर लगातार पोस्ट जो है वो फैजल रहमान के सपोर्ट में अब शिवहर से जो है वो किया जा रहा है। एनडीए का काम आसान जो है वो हो रहा है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है वो आज हुआ। आज रितु जायसवाल ने नामांकन किया, नामांकन के बाद चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं उससे पहले ही ढाका के पूर्व विधायक फैजल रहमान, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि बवाल हो गया। एक तस्वीर हम और पैच कर रहे हैं, गाड़ी में रितु जायसवाल के बगल में जो शख्स नज़र आ रहे हैं वही हैं फैजल रहमान। देखिए, वीडियो थोड़ा दूर से लिया गया इसलिए वीडियो में उनकी तस्वीर साफ नहीं आ रही है, सो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रितु जायसवाल की गाड़ी में बगल थी। कितना इंपॉर्टेंट है फैजल रहमान का शिवहर में होना, ये इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर होता है लोकसभा चुनाव में शिवहर में, ये तो देखने वाली बात होगी। आगामी 25 मई को वहाँ पर चुनाव होने हैं, और कहा जा रहा है कि शिवहर के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इस पूरी घटनाक्रम से नाराज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि फैजल रहमान का अपमान जो है वो तेजस्वी यादव के रहते हुए मंच से किया गया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।